हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है फर्स्ट क्वार्टर का। और गाइस, कुछ टाइम पहले ही कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ और इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश किया। तो हम लोग यहाँ पे गाइस कंपनी का पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर मिलियंस में इनकम की बात करें कंसोलिडेटेड में 818 करोड़ का, मार्च 24 में 709.9 करोड़ का और जून 23 में 548.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों की इनकम इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंस कंपनी का 773.6 करोड़ का, मार्च 24 में 678 करोड़ का और जून 23 में 529.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44.4 करोड़ का, मार्च 24 में 31.8 करोड़ का और जून 23 में 19 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 31.5 करोड़ का, मार्च 24 में 24.4 करोड़ का और जून 23 में 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS कंपनी का 2.37 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया गया क्योंकि इनकम प्रॉफिट में इंक्रीज करती हुई देखने को मिला है। अगर स्टैंडअलोन कवर करें, इनकम में 677.8 करोड़ का, मार्च 24 में 571.6 करोड़ का, जून 23 में 548.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 643 करोड़ का, मार्च 24 में 549.5 करोड़ का और जून 23 में 529.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34.7 करोड़ का, मार्च 24 में 22 करोड़ का और जून 23 में 19 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 25.9 करोड़ का, मार्च 24 में 19.8 करोड़ का और जून 23 में 17 करोड़ का और नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 2.04 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइज, स्टैंडअलोन हो या कंसोलिडेटेड, रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश का नो डाउट गाइज, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट इनकम प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज है। 720 में इसका रिजल्ट आया था, 354 रुपीज़ में शेयर ट्रेड कर क्लोज किया, 0.16% का लॉस है। 5 डे में 2% का लॉ प्रॉफिट है और यहाँ पे 1 मंथ में 1% का प्रॉफिट। और गाइज, कंपनी जो है अगर देखिएगा तो 10 जुलाई को लिस्टेड हुआ स्टॉक एक्सचेंज में और लिस्टेड होते ही गाइज कंपनी का शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। और मतलब कि शेयर में उतना परफॉर्म नहीं किया लेकिन रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया, चांसेस की कंपनी के शेयर में यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है। अगर आप इसके शेयर ले रखे गए तो आप इसको होल्ड कीजिए। अगर आप इसके शेयर को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पेश किया, शेयर का प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग जो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।